कराची के आवाम के लिए खुशखबरी, मुर्गी का गोश्त सस्ता हो गया। कराची में चिकन के रेट में नुमाया कमी हुई है। जिंदा मुर्गी 100 रुपए सस्ती होने के बाद 350 किलो रुपए हो गई है, जबकि गोश्त 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। क्या तफसीलात हैं हमारे नुमाइंदे बदीउज़्ज़मान से जान लेते हैं, जो इस वक्त तारिक रोड की लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। बदी, आगाह कीजिएगा, चिकन सस्ती हो गई है? बिल्कुल जी, वो मिसाल थी ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाहर की मुर्गी भी दाल बराबर हो गई है और मुर्गी के जो रेट हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। तकरीबन 100 रुपये किलो पर मुर्गी जो है वो सस्ती हुई है। अगर मैं जिंदा मुर्गी की बात करूं तो वो 350 रुपये किलो यहाँ मिल रही है। अगर गोश्त की बात की जाए तो 500 रुपये किलो जो है वो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। उसके अलावा बोनलेस जो है वो 750 रुपये किलो मिल रहा है, इससे पहले महंगा था। लेकिन अब अगर देसी मुर्गी की हम बात करें तो ये कम नहीं हुई बल्कि ये बढ़ी है तकरीबन 100 रुपये। यानी कि पहले 900 रुपये किलो थी, अब 1000 रुपये किलो ये जो है जिंदा मुर्गी है और तकरीबन 1200 रुपये किलो जो है इसका गोश्त है। तो आमतौर पर लोग जो है सब्जियां खाते हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने रिपोर्ट किया था कि मटर जो है वो मार्केट में 400 रुपये किलो हैं और ये मुर्गी 350 रुपये किलो है। तो अब उन लोगों के लिए, उन आवाम के लिए, उन शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि वो घर का किचन आराम से चला सकते हैं, क्योंकि अगर 1 किलो मटर लेंगे तो वो 400 रुपए के और 1 किलो मुर्गी लेंगे तो वो 350 रुपए की मिलेगी। बोनलेस थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ हम देख रहे हैं कि मुर्गी सस्ती हुई है। उसके अलावा पोटे अगर आप लेते हैं तो वो आपको 150 रुपए किलो मिलेगी। गर्दन जो है वो आपको 100 से 125 रुपए किलो मिलेगी। तो वो लोग जो परेशान होते थे कि रोजाना दाल सब्जी। बहुत शुक्रिया बदीउज़्ज़मान तफसीलात से आगाह करने के लिए।